i am dr fatima sultana associate professor in department of zoology JDB government girls college kota today we are going to discuss life history of pyrosoma pyrosomes they belong to the genus pyrosoma and they are free floating colonial tunicates that usually live in the upper layers of the open ocean in warm seas although some में भी फाउंड एट ग्रेटर डेप्थ पायरोसोमा जो है वो पैलेजिक ट्यूनिकेट्स हैं और ओशन में जो है वॉम वाटर्स में पाए जाते हैं सिलेंड्रिकल शेप है कौन शेप की तरह दिखाई देता है इनकी कॉलोनी जो कि अट्ठारह मीटर तक की लंबाई में पाए जाते हैं

कॉमनली इनको जो है सी पिकल्स के नाम से जाना जाता है पायरोसोम जो है फ्री स्विमिंग कॉलोनी है ये ओपेलजिक होते हैं ये फाइटोप्लैंक के ऊपर फीड करते हैं कॉलोनी जो है इट एमिट्स ब्राइट फॉस्फोरस लाइट व्हेन स्टिम्युलेटेड इनके अंदर से लाइट प्रकाश होते हुए दिखाई देता है एंड दैट लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिम्बॉयटिक बैक्टीरिया इनके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया जो कि सिम्बॉटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं उनके वजह से वो लाइट प्रोड्यूस होती है तो जब भी ये स्टिमुलेट होते हैं तो इनके जो अंदर जो उपस्थित मिसोडर्मल कोशिकाओं के अंदर एग्स में भी पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया के वजह से जो है वो लाइट फॉस्फोरसेंट ब्राइट लाइट एमिट होते हुए दिखाई देता है द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड द मिसोडर्मल सेल्स एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन एग्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया विच आर बायोलोमसेंट इन नेचर द फॉस्फोरसेंट लाइट इज बीन एमिटेड बाय द पायरोसोम्स इट इज फाउंड इन वॉर्मर पार्ट्स ऑफ एटलांटिक इंडियन एंड पैसिफिक

रात के अंधेरे में बायोलुमिनेसेंट लाइट दिखाई देने के वजह से ये चमकते हुए जीव की तरह दिखाई देते हैं ईच जूड इज अ फ्यू मिलीमीटर्स इन साइज बट इज एम्बेडेड इन अ कॉमन जेलटेनियस ट्यूनिक दैट जॉइंट्स ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स पायरोसोमा जो है वो कॉलोनी के तौर पे दिखाई देता है दिस आर कॉलोनियल ट्यूनिकेट्स अगर एक सिंगल जूड को देखें हम तो वो फ्यू मिलीमीटर्स का होता है और इस तरह के कई जूड्स मिलकर के जो है एक कॉलोनी बनाते हैं और ये सारे जूड्स जो है एक कॉमन जेलेटेनियस ट्यूनिक मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं जुड़े हुए होते हैं जेलेटेनियस ट्यूनिक मेम्ब्रेन के द्वारा ईच जूड ओपन्स बोथ टू द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्यूब Drawing in ocean water from the outside to its internal filtering mesh called the branchial basket, extracting the microscopic plant cells on which it feeds, and then expelling the filtered water to the inside of the cylinder of the colony. The colony is bumpy on the outside, each bump representing a single zood, but nearly smooth, although perforated with holes. ईच जूड ऑन द इनसाइड। ये जो सिंगल जूड है एक छोटे से ट्यूब की तरह दिखाई देता है। और ये बाहर और अंदर दोनों तरफ से जो है ये ओपन होते हैं बाहर की तरफ से वाटर को अंदर की तरफ लेते हैं और इस इन वाटर यानी अंदर प्रवेश करने वाला जो वाटर है उसके अंदर जितने भी फाइटो होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट सेल्स फाइटो ये सब जो है अंदर ब्रैंकियल बास्केट की तरह एक मैश नेट की तरह रहता है जिसके थ्रू वो फिल्टर हो करके जूड के अंदर रह जाते हैं और पानी जो है वो अंदर की तरफ एक्सपल कर दिया जाता है इस तरह से सभी जूड्स का पानी जब अंदर की तरफ आता है और वो एक कॉमन क्लोइका की तरफ से होते हुए बाहर प्रोपेल कर दिया जाता है एंड बिकॉज ऑफ़ दिस प्रोपेलिंग ऑफ द वाटर ये कॉलोनी आगे की तरफ मूव करता है तो एज वी हैव सीन इन डोलोलियम एंड सैल्पा सच जेट प्रोपल्शन इज सीन इन पायरोसोमा ऑल्सो पायरोसोम्सा प्लैंक्टोनिक फिल्टर फीडर्स हैं क्योंकि मैश के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं सारे प्लैंक्टन अंदर रह जाते हैं और सिर्फ पानी जो है वो अंदर की तरफ से होते हुए कॉलोनी के मेन आउटर ओपनिंग से बाहर निकलते नाउ द मूवमेंट्स आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय द करंट टाइड्स एंड वेव्स इन द ओशियन बट कुछ हद तक स्लोली जो है दे कैन मूव बाय द जेट प्रोपल्शन और ये जो जेट प्रोपल्शन है जो वाटर है जो अंदर की तरफ है That is because of the coordinated beating of the cilia in the branchial baskets of all the zooids. Branchial basket क्या काम कर रहा है उसके अंदर जो cilia हैं वो मैश की तरह काम कर रहे हैं फाइक अंदर रह जाते हैं और वाटर जो है वो कॉलोनी के अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है अब इसमें जो अंदर जो पानी है वो सभी जूड्स का पानी जो कॉमन क्लॉय है उससे बाहर प्रोपेल कर दिया जाता है एंड दिस कॉज द जेट प्रोपल्शन और जो सीलिया जो ब्रैंकअल बास्केट में है दैट इज क्रिएटिंग फीडिंग करेंट्स आर ब्राइटली बायोलमिस फ्लैशिंग अ पेल ब्लू ग्रीन लाइट दैट कैन बी सीन फॉर मेनी टेंस ऑफ मीटर्स सौ फिट की दूरी से भी जो है इनको चमकते हुए देखा जा सकता है कई मीटर्स दूर से भी जो शिप में सेलर्स होते हैं दे कैन सी दिस पायरोसोम्स इल्यूमिनेटिंग इन द डार्क सी वाटर पायरोसोम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू सेल्फ्स एंड आर समटाइम्स कॉल्ड फायर सेल्फ्स पायरोसोम्स जो हैं वो सेल्पा से काफ़ी कुछ क्लोजली रिजम्बल करता है रिलेटेड होता है इसीलिए इनको फायर सेल्फ्स भी कहा जाता है सेलर्स ऑन द ओशन अकेशनली ऑब्जर्व काम सीस कंटेनिंग मैनी पायरोसोम्स ऑल ल्यूमिनिंग ऑन अ डार्क नाइट सेलर्स जो शिप में सेल कर रहे हैं वो अकेशनली क्या है जो शांत समुद्र होता है उसमें कई पायरोसोम्स को इल्यूमिनेट करते हुए देखते हैं यानी चमकते हुए रात के अंधेरे में देख सकते हैं

जो बहुत सारे एक सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं दे आर कॉल्ड ब्लास्टोजूट दे आर अरेंज इन सच ए वे दैट द ब्रैंकियल अपर्चर ऑफ ईच ओपन आउटवर्ड्स गार्डेड बाय अ टंग लाइक अपनडिज एंड द एट्रियल अपर्चर इन टू अ कॉमन क्लॉइकल कैविटी ऑफ द सिलेंडर विच ओपनस आउटसाइड बाय अ क्लॉइकल अपर्चर रेगुलेटेड बाय अ डाइफ्रम और वेलम अगर हम इंडिविजुअल जूड को देखें तो वो जो ज़ूड है ब्रैंकअल अपर्चर बाहर की तरफ खुलता है और जो अंदर की तरफ एट्रियल अपर्चर ओपन होता है इनके सभी के एट्रियल अपर्चर्स अंदर की तरफ ओपन होते हैं और वो सब कॉमन क्लोइकल कैविटी से होते हुए जो पानी है वो क्लॉयकल अपर्चर से बाहर कर दिया जाता है एंड दिस इज रेगुलेटेड बाई डायफ्राम जिसको वैलम भी कहा जाता है एज यू कैन सी दिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द जूड बकल अपेज है जो बाहर की तरफ पॉइंट सा दिखाई देता है ब्रेंकल एपरेचर बाहर की तरफ ओपन हो रहा है टेंटेकल्स जो है वो करेंट वाटर करेंट्स को अंदर की तरफ प्रवेश करने में हेल्प करते हैं और ये जो वाटर अंदर आ रहा है ब्रैंकियल बास्केट से होते हुए एट्रियल कैविटी से होते हुए एट्रियल अपर्चर से जो क्लोइकल कैविटी है सभी इंडिविजुअल्स का मिलकर के जो कॉलोनी में बनता है सिंगल कैविटी उसके थ्रू होते हुए वो क्लोइकल अपर्चर से यानी वेलम के थ्रू बाहर निकल जाता है तो दिस जूड इज़ नोन एज ब्लास्टो जूड इट हैज़ अ सिंगल ओवरी एंड अ डिप्लॉयड डबल जो है वो टेस्टिस है और एलिमेंट्री सिस्टम नर्वस सिस्टम यानी नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होता है एंडोस्टाइल होता है उससे जुड़ा हुआ स्टोलन होता है और स्टोलन से जो है वो बडिंग होकर के प्रो बर्ड्स बनते हैं ना ऑल द जूड्स दे कम्बाइंड टूगैदर इन अ कॉमन जेलेटिनियस ट्यूनिका मेमब्रेन एंड दे आर फिक्स टू वन एन अदर एंड दे कॉमनली ओपन थ्रू अ क्लॉइकल अपर्चर सबके अपने अपने एट्रियल अपर्चर क्लाइकल कैविटी में ओपन हो रहा है जो कॉमन है और उसमें से सारा पानी जो है वो वेलम के थ्रू होकर के बाहर निकाल दिया जाता है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोपल्शन और द करेंट वेव्स ऑफ वाटर बीन क्रिएटेड बाई ईच जूड एंड इंडिविजुअली हर एक का जो है वो करंट क्रिएट होता है और कलेक्टिवली वो कॉमन प्लॉयका से होते हुए वेलम से बाहर रिलीज कर दिया तो दिस कॉजेस अ जेट प्रोपल्शन मोमेंट ड्यू टू विच द Animal or you can say the colony और यू कैन से the pyrosomes lying आर the sands किनारों पे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये पायरोसोम्स जेलेटेनियस ट्रांसपेरेंट लुक दे रहे हैं ग्लास की तरह और बहुत सारे जूट्स मिल के कॉलोनी की तरह पायरोसोमा कहलाता है ना कॉलोनी लोकोमोड्स बाय जेट प्रोपल्शन क्योंकि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो क्लॉइकल एपरेचर से एक शॉट की तरह प्रोपल किया जाता है जिसकी वजह से जेट प्रोपल्शन होता है और कॉलोनी पूरी की पूरी आगे की तरफ मूव करती है जो ब्लास्टोजूड है उसका स्ट्रक्चर एक एसीडियन की तरह है जैसे एक एसिडियन सिंगल एसिडियन को अगर हम देखते हैं तो सेम उसी तरह से दिखाई देता है जिसमें फेरिंग्स होता है एंडोस्टाइल होता है डॉर्सल लेमिना विथ लैंग्यूट्स और ये जो फेरिंग्स है वो अंदर एट्रियम और एट्रियल कैविटी, एट्रियल अपर्चर से इंटस्ट होते हुए जो है वो बाहर ओपन होता है हार्ट जो है वो फेरिंग्स के पीछे रहता है एंड सब न्यूरल ग्लैंड एंड ऑसिलस यानी एक आँख की तरह भी सेंसरी ऑर्गन है पाया जाता है तेरार सरकम लैंड एट्रियल मसल्स फॉर्मिंग कंप्लीट बट फीबल रिंग्स एट द टू एंड्स आगे ब्रैंक्यल एपर्चर और एट्रियल एपर्चर पे एट मसल्स जो हैं वो रिंग की तरह फॉर्म होते हैं और गोनेट्स जो हैं दोनों ओवम और टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं सिंगल ओवम और लोब्ड टेस्टिस अब एंडोस्टाइल के पास टोलन होता है जो कि एडिशनल ब्लास्टो बनाता है बडिंग के द्वारा इस चित्र में अगर हम देखते हैं दिस इज द कॉलोनी ऑफ पायरोसोमा इन ब्लू कलर जो कि ट्वेंटी मीटर लंबा है यानी बहुत सारे जूड्स मिल कर के पूरी एक बड़ी सी कॉलोनी बना रहे हैं इसका एक छोटा सा सेक्शन अगर हम देखते हैं तो वी कैन सी द जेलेटिनियस ट्यूनिका मेम्ब्रेन विच इज बाइंडिंग दिस इंडिविजुअल जूड्स टुगेदर वाटर जो है वो ब्रैंकल अपर्चर से होते हुए एट्रेल एपर्चर से क्लोइकल कॉमन क्लोइकल कैविटी में आ रहा है और फिर वेलम से होते हुए बाहर निकल रहा है तो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ वाटर किस तरह से वाटर ब्रैंकियल अपर्चर से जा रहा है सिंगल जूड से होते हुए तो इस तरह से हर जूड में से वाटर जो है ब्रैंकियल अपर्चर से अंदर प्रवेश करता है और जो ब्रैंकियल बास्केट है उससे फिल्टर फीडर्स की तरह प्लैंकटन अंदर रह जाते हैं एंड ओनली वाटर इज प्रोपेर आउट टू द एट्रियल अपर्चर सबके एट्रियल अपर्चर कॉमन कैविटी में ओपन हो रहे हैं और उसमें से वाटर जो है पूरा पीछे की तरफ पुश किया जाता है क्लोइकल एपर्चर के थ्रू अब ये जो ब्लास्टोज़ूड्स हैं इनके अंदर सेक्सुअली मैच्योर जूड्स बनते हैं पेरेंट सेल के अंदर ही बनते हैं और डेवलपिंग एसेक्शुअल जूड्स जो हैं फोर एसेक्शुअल जूड्स डेवलप होते हैं यानी प्रोबर्ड्स हर एसेशुअल जूड जो है चार प्रोबर्ड्स बनाता है और वो एसेक्शुअल जूड तो डिज़ेनरेट हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है और जो प्रोबर्ड्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं क्लाइकल अपर्चर से बाहर आ जाते हैं और फर्दर मल्टीप्लाई करके वो फिर एक पूरी कॉलोनी की तरह डेवलप होते हैं लेट्स सी हाउ इट इज बीन डन ईच ब्लास्टो जूड सीव्स वाटर फ्रॉम द सी इंटू द कॉमन क्लाइकल कैविटी ऑफ द कॉलोनी

वाटर यानी तेजी से एक शॉट की तरह निकलता है स्ट्रीम ऑफ वाटर और ये स्पीड फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं अगर वो वेलम जो है वो नैरो हो जाता है जो पोस्टीरियर ओपनिंग जो है तो बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग ऑफ द वेलम द एजेक्टिंग वाटर कैन इंक्रीज द स्पीड नाउ पायरसोमा देर इज नो टेल्ड लार्वा यानी डेवलपमेंट डायरेक्ट है and it takes place within the body of the parent the fertilized egg undergoes meroblastic cleavage and forms an oozoids or hain inko. having a stolon it has a primitive gut a tubular nervous system and a pair of laterally placed atrial tubes within maternal body it feeds upon calymnocytes अ जूड अराइजिंग फ्राम एन ओवन इज एन ओजॉइड वैल द वन फॉर्म बाय बूड तो हम क्या देखते हैं जो फर्टिलाइज एग है वो पेरेंट बॉडी के अंदर ही डेवलप होता रहता है मीरो ब्लास्टिक क्लीवेज होता है इसके अंदर और वो ऊजॉइड्स कहलाते हैं ये जो ऊजॉइड्स हैं जिनको साइथोजूड भी कहते हैं उसके अंदर स्टोलॉन होता है फ्रमेटिव गट नर्वस सिस्टम पाया जाता है और एट्रियल ट्यूब्स भी लेटरली प्लेस्ड पाए जाते हैं और मैटरनल बॉडी यानी जो पेरेंट बॉडी है उसके अंदर वो कैलमनोसाइट्स जो फॉलिकल कोशिकाएं हैं उनके ऊपर वो फीड करके डेवलप होते हैं तो जो ओवम से जो बन रहा है जूड उसको ऊजॉइड कहते हैं और जो बर्डिंग से हो रहा है उसको ब्लास्टो जूड कहते हैं तो ये जो स्टोलॉन है इट फॉर्म्स फोर बर्ड्स कॉल्ड ब्लास्टोजूड्स अब इनके अंदर भी स्टोलॉन होता है तो जो पोस्टीरियर पार्ट है साइथोजोड का वो तो ख़त्म हो जाता है दैट इज इट डी जनरेट्स और यू कैन से इट डाइस तो अब ये जो कॉलोनी है फोर इंडिविजुअल्स का जो टेट्राजूड है ये एनक्लोज हो जाता है कॉमन टेस्ट यानी जेलेटेनियस ट्यूनिका से एंड इट पासज थ्रू द क्लाइका ऑफ द पेरेंट कॉलोनी अब ये चार जो इंडिविजुअल्स जो कॉमन टेस्ट में एनक्लोज हो गए हैं वो क्लाइका के थ्रू पेरेंट कॉलोनी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं जो साइथोजूड है वो तो डिजेनरेट हो गया एट्रोपी हो गया पर बहुत सारे ब्लास्टोजूड्स जो हैं वो बर्डिंग के द्वारा बनते हैं एंड अगेन द पायरोसोमा फॉर्म्स एंड एडल्ट कॉलोनी तो इस तरह से जो है जो चार प्रोबर्ड्स थे वो कॉमन टेस्ट में एनक्लोज हो गए और पेरेंट कॉलोनी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और बाहर आ कर के जो है फर्दर ब्लास्टोजूड्स बडिंग के द्वारा जो स्टोलॉन है उसके बटिंग के द्वारा बहुत सारे ब्लास्टोजूड्स बनते हैं और इस तरह से ये पूरा एक कॉलोनी बना लेते हैं तो वी सी दैट द पायरोसोमा फ्राम वन सिंगल साइथोसोर्ट्स फोर प्रोबर्ट्स वेर फॉर्म एंड दीज प्रो यानी चार जो प्रोबर्ट्स हैं वो फिर ब्लास्टोज रोड्स बनाते हैं बहुत सारे एंड दीस ब्लास्टोज रोड्स कैन डेवलप फर्दर इन टू अडल्ट पायरोसोम कॉलोनी नाउ एज टोल्ड पायरोसोमसर बायोलूमिनेसेंट यानी वो इल्यूमिनेट करते हुए यानी चमकते हुए दिखाई देते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द सिम्बॉइटिक बैक्टीरिया इसीलिए ग्रीक वर्ड से बना है ये पायरोसोमा वर्ड पायरो का मतलब फायर और सोमा का मतलब बॉडी तो बिकॉज दे सीम लाइक इल्यूमिनेटिंग फायर दे आर कॉमनली दे हैव बिन नेम्ड आफ्टर द ग्रीक वर्ड पायरो प्लस सोमा पायरोसोमा तो अंधेरी रात में जो है ये चमकते हुए पूरे समुद्र में जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं तो इन अ डार्क नाइट ऑल दि स् पायरोसोम्स सीम्स टू एल्यूमिनेट द सी वाटर थैंक यू सो मच